नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जानिए मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के प्रमुख नगरों के बारे में। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश का रतलाम जिला मालवा क्षेत्र का प्रमुख जिला है, जो अपने खूबसूरत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही ये जिला पश्चिम रेलवे के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी शामिल है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। नंबर एक, आलोट। आलोट नगर रतलाम जिले की एक तहसील मुख्यालय और नगर पंचायत का क्षेत्र है। आलोट जैन धर्मवलियों के लिए मुख्य स्टेशन है। इस नगर का पूरा नाम विक्रमगढ़ आलोट है। नगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर, राम सिंह दरबार और नागेश्वर मंदिर शामिल है। नंबर दो, नामली। नामली रतलाम जिले का एक नगर पंचायत का क्षेत्र है, जो महू नीमच हाईवे के दोनों ओर बसा हुआ है। इस हाईवे की वजह से ही नामली नगर धीरे धीरे विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। नामली नगर के करीब स्थित माता हिंगलाज का प्राचीन मंदिर नगर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। नंबर तीन, बाजना। बाजना रतलाम जिले की एक नगर पंचायत और तहसील मुख्यालय का क्षेत्र है। बाजना नगर अपने प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है एवं इसके सौंदर्य की गाथा नगर के आसपास के कई स्थान बताते हैं। बाजना नगर में स्थित कई देव स्थान भक्तों की आस्था के अद्भुत केंद्र है। नंबर चार, राउटी। राउटी रतलाम जिले की एक तहसील मुख्यालय और नगर पंचायत का क्षेत्र है। आज़ादी से पहले ये नगर सेलाना स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। मालवा के इतिहास में भी इस नगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राउटी नगर के करीब स्थित ढोलावाड़ डैम नगर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। नंबर पाँच, ताल। ताल नगर रतलाम जिले की एक नगर पंचायत और तहसील मुख्यालय का क्षेत्र है। ताल चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भारत की आज़ादी से पहले ये नगर जावरा स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। इस नगर का नाम मालवी भाषा के शब्द तालाब से हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ पोंड या तालाब है। नंबर छः, जावरा। जावरा रतलाम जिले की एक तहसील मुख्यालय और नगर परिषद का क्षेत्र है। बता दें आपको कि जावरा अपने विश्व प्रसिद्ध दरगाह हुसैन टेकरी के कारण पहचाना जाता है। ये नगर महू नीमच हाईवे पर स्थित एक विकसित नगर है, जो अपने हिंदू और जैन मंदिरों की विशेष पहचान रखता है। बता दें आपको कि आज़ादी से पहले जावरा एक प्रिंसिपल स्टेट था, जिसका मालवा के इतिहास में अभूतपूर्व योगदान रहा है। ये नगर अपने शिक्षण संस्थानों के लिए भी पहचाना जाता है। नंबर सात, पिपलोदा। पिपलोदा रतलाम जिले की एक नगर पंचायत और तहसील मुख्यालय का क्षेत्र है, जो भारत की आज़ादी के पहले पिपलोदा रियासत हुआ करती थी। पिपलोदा नगर में मालवा के इतिहास से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थानों के अवशेषों को देखा जा सकता है। ये नगर समुद्र तल से 470 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर आठ, सेलाना। सेलाना रतलाम जिले की एक तहसील मुख्यालय और नगर पंचायत का क्षेत्र है, जो अपने महान इतिहास के लिए पहचाना जाता है। सेलाना जिला मुख्यालय रतलाम से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सेलाना नगर में पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी कुछ देखने लायक है, जिनमें कैक्टस गार्डन, ऐतिहासिक किला और कई प्राचीन मंदिर शामिल है। नगर के करीब स्थित केदारेश्वर महादेव का पवित्र मंदिर यहाँ के पर्यटन स्थलों की मूल पहचान है। नंबर नौ, रतलाम। रतलाम नगर रतलाम जिले का जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और नगर निगम का क्षेत्र है। ये नगर रतलाम जिले का सबसे बड़ा नगर है, जो पश्चिमी रेलवे का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। रतलाम नगर मालवा के इतिहास में
एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसके पहले राजा महाराजा रतन सिंह जी थे। दोस्तों, रतलाम नगर सेव, सोना, सट्टा, साड़ी तथा समोसा कचौरी एवं दाल बाटी के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो पूरा नगर ही पर्यटन की दृष्टि से अभूतपूर्व है, लेकिन यहाँ के मुख्य आकर्षण में कालिका माता मंदिर, गड़खंगे माता जी, उकाला माता जी, जीवीएल मंदिर, लेक्यू पॉइंट और ढोलावाड डैम प्रमुख स्थान रखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय रतलाम।